कांड में जो पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर उन्हीं के चरित्र पर दोषारोपण करके आसानी से जो है बच निकलने का, या मतलब सजा भी हो दोषियों को तो वो कम से कम हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की लीपापोती बंद की जाए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो मनोज मित्तल स्थानीय भाजपा नेता हो या और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इस पर लीपापोती बंद की जाए। 18 टीम लगा दी है हमने, जांच हो रही है, देखिए। हाँ, कुछ चीजें तो एकदम कन्फर्म है, सामने है, उस पर बहुत लंबा आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की भी एक गलती है इसमें कि सामने एक व्यक्ति उसको देख रहा था कि घसीटा जा रहा है, उन्होंने 18 से 20 बार फोन किया, सामने से कोई रिस्पोंड नहीं है। तो ये दिल्ली पुलिस की भी संवेदनहीनता है, जो भी अधिकारी समय पर जो है वहाँ कार्यवाही नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, उन लोगों को भी तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। तत्काल उनसे पूछना चाहिए कि आप ड्यूटी पर कर रहे मौजूद थे या मटर गश्ती कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नए साल पे तो चप्पे चप्पे पे हमने पुलिस डिप्लॉय किया था सर। हाँ, तो 13 किलोमीटर तक कैसे कोई आदमी घसीटा जा रहा है, आप चप्पे चप्पे पर तैनात थे तो क्या आप तमाशा देख रहे थे? तो ये पुलिस का फेलियर मानते हैं आप? बिल्कुल, ये प्रशासनिक लापरवाही है। जैसे हम लोग अभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, तो पूरी पुलिस आकर के सामने खड़ी हो जाती, अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ भी खड़े दिखिए ना, तो हम यहाँ खड़े नहीं दिखेंगे। पर इस बात के लिए आप जहाँ आपको होना है वहाँ आप होते नहीं है, लेकिन तो हम लोग क्या वो जो लोग हैं राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, इसलिए गोल गोल पूरे मामले को घुमाया जा, बिल्कुल बिल्कुल दबाव में है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, पुलिस के ऊपर भी दबाव है, प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। तो इसीलिए जब तक नागरिक समाज, छात्र, नौजवान, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, आप भी इंसाफ पसंद साथी हैं, जो भी चाहते हैं कि यह अन्याय हुआ है, अब कहते हैं कि वो होटल बुक करके पार्टी मना रही थी, आजाद देश है तो सब को उछाला जा रहा है। हाँ, तो वो आप, ये तो सबकी आजादी है ना, आपका काम है कि आप सुरक्षा सुनिश्चित करो। आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि वो आवारा थी, बदचलन थी, ये बहुत आसान काम है कि आप उसके चरित्र पर सवाल उछाल दो। लोग कह रहे हैं कि इतनी रात में क्या करने गई थी वो, लड़की की गलती है। हाँ, ये तो बहुत आसान चीज है, आप जो जिनके ऊपर ये हुआ है उन्हीं को आप दोष मर दो और बाकी सारे लोगों को जो है मतलब जो है निर्दोष का सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जो दावे होते हैं सरकार के, पुलिस के, महिला सुरक्षा को लेकर, उनकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं। धज्जियां उड़ जाती है और भारत जो है अभी विश्व में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बन गया है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार। हम लोग लगातार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हैं कि महिलाओं का जो है हमें इज्जत करना चाहिए। ये इज्जत है, ये एक सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है, ये एक 20 साल की लड़की या उस परिवार की बात नहीं है। हम आप जैसे तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो इंसानियत में बिलीव करते हैं, जो आज़ादी में बिलीव करते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर ये तमाचा है और हम सारे लोगों को बोलना पड़ेगा सरकार के सामने। सुरक्षित नजर आ रही है, देश की राजधानी में ये हाल है, दिल्ली में ये असुरक्षा का आलम है, तो पूरे देश में आप कल्पना कर सकते हैं। ये तो मामला सामने आ गया है, बहुत सारे मामले तो सामने भी नहीं आ पाते हैं, जो है गुमशुदगी में दम तोड़ देते हैं। तो इस घटना के खिलाफ हम लोग आज ये प्रतिवाद कर रहे थे। जो उनकी दोस्त है निधि, वो भी कटघरे में खड़ी है उनके बयानों से, वो भी उनको छोड़ के चली जाती हैं, कुछ किसी को बताती नहीं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो दोषी है तो। जितने सारे लोग भी इस मामले में, ये आपको एक्सीडेंट लगता है या पूरा षड्यंत्र रचता है, ये कहानी है पूरी रची हुई है? अब देखिए, अटकलबाजी करना हमारा आपका काम तो है नहीं है। जो है मामला जिस तरीके से हुआ, इतना तो पूरा तरह से पता चल ही जाता है कि नहीं होना था ये घटना। 1 तारीख को जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, तो एक परिवार जो है तड़प रहा था, अपने एकमात्र कमाने वाली एक जो बच्ची थी घर की, उसको खो करके तबाह बर्बाद था, उसके दुख का कोई अंत नहीं था। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं, गरीब परिवार या फिर उस समुदाय से लोग आते हैं, तो उनके साथ जो कंपेंसेशन दिया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है। देखिए, हाँ, ये तो होता ही है, भेदभाव होता है आमतौर पर। जब केजरीवाल दूसरों को 1 करोड़ रुपए देते हैं, इनके लिए 10 लाख की घोषणा करते हैं। हाँ, देखिए,
रुपए पैसे से मतलब जिंदगी की कीमत नहीं तय की जा सकती है। करोड़ भी दे दे तो वो कम है जिंदगी के आगे। जिंदगी जो है किसी का भी नहीं छीना जा सकता, किसी को ये हक नहीं है। सहारा तो होता है ना, देखिए दूसरों को एक फौरी तौर पे कुछ कह सकते हैं कि होता है, ये तो मतलब आप सही कहे। इससे पहले भी इन्होंने कठुआ में जब हुआ था 6 साल की आसिफा के साथ, तो उन बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। मतलब ये पूरा तरह से ढोंग है, पाखंड है, मतलब पूरी तरीके से सरी गली हुई एक ऐसी मानसिकता है इन लोगों के भीतर। अब कोई नेता संसद विधानसभा में बैठ करके जो है पोर्न वीडियो देखते हैं, तो इनके मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गिरी हुई, कितनी सरी हुई, मवाद भरी इनकी मानसिकता है। लोगों को भी इनके चरित्र को समझना होगा, क्योंकि जैसे ये कोई पहली घटना नहीं ऐसी बर्बरता की, लगातार ही ऐसी घटनाएं आज पूरे देश भर में हो रही है। कहने के लिए नया साल मना रहे थे, उसी समय एक लड़की को 12 किलोमीटर तक गाड़ से घसीटा गया और उस पर पुलिस भी शांत बैठी है, हर कोई शांत बैठा हुआ है उस पर। तो बिल्कुल सवाल तो बनता है कि एक घटना ये इकलौती घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, तो हमें इसको टोटैलिटी में भी देखना होगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार का संरक्षण सबको प्राप्त होता है, नेता मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो इसे एक महज घटना नहीं है, बल्कि इसको हम हत्या कहना ज़्यादा प्रेफर करें। बेटी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र, वहाँ तो बुरा हाल होता होगा। हाँ बिल्कुल, आज जो पूरी ये पूरी मानसिकता है, जो सत्तात्मक मानसिकता, ये तो हर जगह पोर पोर में फैली हुई है, जिसमें जो खासतौर पर एक बड़ी एक आबादी तो ये भी है जो कह रही है कि रात में लड़की को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। तो बिल्कुल हमें सोचना हो कि अगर हम आज़ाद देश है तो क्या लड़की सिर्फ लड़कों को ही अधिकार क्यों है बाहर निकलना, हर किसी को अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें समाज को ऐसा सुरक्षित बनाना चाहिए कि हर किसी को अपनी आज़ादी का उपभोग कर सके, आज़ादी का उसको मिल सके। करेक्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बिल्कुल। अब तो वही साजिश को साजिश के तौर पर पेश किया जा रहा है, पर साजिश के बजाय इसको बर्बर घटना के तौर पर हमें देखना होगा कि घटना महज एकदम से अपने आप हुई घटना नहीं है, ये बिल्कुल लंबे समय से एक प्रक्रिया में उसी कंटिन्यूटी में बनी हुई है। तो इसी पुलिस के पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के देखिए एक तो पहली चीज कि उस समय 12 किलोमीटर तो कई घटना घटी, कई उसमें चश्मदीद गवाह थे जो बताते हैं, उन्होंने पुलिस को फोन भी किया तब भी पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो ये बताते हैं ना कि अगर कोई मंत्री का काफिला निकलता है 2 किलो तो 6-6 किलोमीटर दायरे में पूरा एक कुछ भी नहीं हो सकता, पर वहीं 12 किलोमीटर तक किसी लड़की को घसीटा जाता है तो वहाँ पे जो है बिल्कुल पुलिस को भनक लग जाता है मुश्किल। चलिए एक घटना तो इसमें तो भाजपा का था ही मनोज मित्तल, उसमें नाम आया ही है। इससे पहले देख लीजिए बिल्किस बानो कौन सी की बलात्कार को स्वागत किसने किया, भाजपा ने किया। चिन्मयानंद किस पार्टी से है, भाजपा से। कुलदीप सिंहगर किससे है, भाजपा से। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है कि यही लोग कठुआ में बच्ची का बलात्कार होता है तिरंगा यात्रा निकालते हैं, यही लोग जो है पूरे पीड़िता के परिवार को मरवा देते हैं और कुछ नहीं बोला जाता। तो ये तो दिखता है ना कि कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल यही बात है, इनका बेटी बचाओ सवाल है, बेटी बचाओ किससे, भाजपाइयों से, फासिस्टों से। असल में उनसे बेटी को बचाने की जरूरत है, और पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई के तो पता ही क्या हालत है आज के समय में। अंजलि को न्याय मिल पाएगा, इसीलिए हम सड़कों पर है कि न्याय मिले, अपने आप तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल विरोध करने पर ही न्याय मिलेगा, जब लोग एकजुट होंगे, सवाल उठाएंगे ऐसी घटना, तभी न्याय मिल सकता है। अपने आप कोई अमित शाह के भरोसे बैठे उसकी कमेटी कुछ कर दे, कुछ नहीं होगा। इस पूरे मामले को नया रंग दिया जा रहा है, क्या अंजलि गरीब परिवार से है या उस समुदाय से आती है वंचित दलित समुदाय से, तो इसलिए उसके ज्यादा तेजी से कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मामले को पूरा। देखिए ये तो बिल्कुल होता ही, आमतौर पर दलित कहीं किसी कम्युनिटी से कोई आता है तो उनके खिलाफ तो ये होता है कि और धीरे चीजें होती है, पर आज सवाल इस पे होना चाहिए कि पहली चीज बर्बरता किसी के साथ भी हो, गलत गलत है, चाहे वो कोई किसी भी कम्युनिटी किसी भी कास्ट से, इट डजंट मैटर। पहली चीज तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके में जो इन्वॉल्व होते हैं कह रही है जांच कर रहे हैं हम, कब तक जांच चलेगी। पुलिस की जांच तो चलती रहती है, कई केस खुलते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, तो पुलिस के ऊपर जब तक दबाव नहीं होगा तब तक तो जांच चलती रहेगी, अनगिनत सालों तक चलती रहेगी। दिल्ली वाली घटना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी निर्भया कांड हुआ, उन्नाव कठुआ में हुआ, और ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार के जो खोखले वायदे हमारे सामने हैं, बेटी बचाओ से लेकर के महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन इनके खुद के दावे ही खोखले हैं। ये हम लोगों को दिख ही गया नए साल के पहले दिन ही, 2023 का पहला दिन था 1 जनवरी को, किस तरीके से अंजलि को घसीट के मारा जाता है और तमाम सरकारें अपने कान में तेल डाल करके सोई रहती है। तो सीधा सा बात दिखता है इनके खोखले वायदे हैं सीधा का सीधा, महिलाओं को सशक्त करने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का सिर्फ इनका ढोंग है। पुलिस की भूमिका पर भी तमाम सवाल खड़े, पुलिस की भूमिका पर बिल्कुल सवाल है। लगातार फोन किया गया वहाँ पे, जितने भी मौजूद थे लोग उन्होंने लगातार फोन किया, और एक तो निकल के आ भी रहा मीडिया के सामने, वो कह रहा है उसने डायरेक्ट पूरा कहा 18 से 20 बार उन्होंने कॉल किया लेकिन कॉल नहीं उठाया गया। तो सीधा से सवाल है दिल्ली पुलिस से लेकर के, और तमाम ये अब दुहाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के लोग, है ना, कि बच जाती ये
हो जाता, आनन फनन में जांच भी बैठा दी गई, लेकिन ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है। सबको पता है कि मनोज मित्तल वहाँ का स्थानीय भाजपा का नेता, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए ये काम कर रही है आज भाजपा सरकार जो कर रही है। लेकिन आप लड़की का करैक्टर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाँ, देखिए, एक किसी भी महिला के करैक्टर पे सवाल उठाना, चरित्र पे सवाल उठाना बहुत ईजी बात हो जाती है, सीधी सी बात है। आप एकदम, जब आपको बचाना ही है, आप यहाँ पे दो एंगल कोई नहीं देख रहा, दोनों चीजें नहीं देख रहा यहाँ पे, सिर्फ ये कि 3:30 बजे वो बाहर थी, क्यों थी वहाँ पे, तो उसका प्लान था, ये सब चीजें थी, है ना, वो जो लड़की भी दबाव में आकर के भी, लेकिन ये स्क्रिप्टेड है पूरा का पूरा। जो सही मुद्दा है, जो सही चीजें हैं असल में, वो नहीं आने देना चाह रही है गोदी मीडिया। और ये तो है ही ना, चैनल किन के बैठे हैं आज, तमाम चैनल इन्हीं के बैठे हैं, भाजपा के और तमाम ऐसी पार्टियों के, तो आप अपने लोगों को बचाने के लिए तो ये कहेंगे ही और बात कहेंगे ही, और कीचड़ उछालना, बात बोलना महिलाओं के चरित्र पे तो बहुत छोटी बात हो जाती है इन लोगों के लिए। और सीधी सी बात है, वो चरित्र पे सवाल उठा करके इस मामले को दबाने की बात है, कहीं ये प्रोटेस्ट ना हो, ये आवाजें ना उठे, और एकदम इसको क्लोज करने का, इसको बंद करने का। जो है वो राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उसका दबाव भी है? बिल्कुल, यही कारण है। अगर कोई देखिए ना, पहली बात तो जो अंजलि है उसके 4 बहन भाई पीछे और हैं, वो मजबूरी में घर से बाहर, इवेंट मैनेजमेंट का जो काम करती थी वो मजबूरी में घर से बाहर निकली है ना, इतनी ठंड में कौन निकलेगा नहीं तो अपना काम के लिए, आदमी निकल रहा है काम के लिए। और राजनीतिक दबाव ही है, क्योंकि पहले तो लड़की नहीं आई थी ना बाहर जो उसकी दोस्त है, अब आई है, पूरा स्क्रिप्टेड पूरा बयान दे रही है, करेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सीधा सा एंगल एकदम साफ है, चूँकि वहाँ का भाजपा का नेता मनोज मित्तल इसमें शामिल है, उसको बचाने के लिए गृह मंत्री से लेकर के तमाम एकदम तिकड़मबाजी करके बचाने का काम। आपको नहीं लगता जो निधि है वो जो गायब हो गई थी 72 घंटे में, उसको रिमांड पे लिया जाए और सारी सच्चाई का पता निकाला जाए? देखिए, अब जो गायब हुआ नहीं हुआ, रिमांड लिया जाए, छोड़ के चली गई ना बीच में, देखिए उनको। हाँ नहीं, बात ये है, सवाल ये है कि अभी जो भाजपा सरकार वहाँ के स्थानीय नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है, ये जो एंगल घुमाए जा रहे हैं उन पे ना जा करके, सीधी सी बात है, गृह मंत्री इस्तीफा दे, है ना, परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जो स्त्री विरोधी जितने भी अपराध है, बेटे सुरक्षित रहेंगे जब दिल्ली में सुरक्षित नहीं बढ़ेंगे, नहीं होगा ना। अभी आप दिल्ली का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हर दिन में 6 महिला विरोधी ऐसे अपराध रिकॉर्ड होते हैं। आप आंकड़े देखिए, 2012 में जहाँ पे 2,44,000 के लगभग कुछ मामले थे, अभी 2021 में अभी वो बढ़ करके 4,00,000 के लगभग हो गए, तो ये सीधा सा सवाल उठता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब खोखले हैं ना, बिल्कुल खोखले वायदे हैं, दिखता ही है ना आपको, आप दिख ही रहा है, मोदी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, है ना, दिल्ली में या कहीं पे भी हो, ये सिर्फ एक खोखले वायदे के तौर पे ही उभर। महिला सम्मान के लिए लड़ने वाली स्मृति ईरानी का भी कोई बयान नहीं आया, ये तो ये लोग तो खुद बलात्कार, इनकी तो खुद की नेता है, रूपा गांगुली से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, उत्तराखंड में जो इनका आर्य जो इनका नेता था, उसका बेटा एक रिसोर्ट में जब बलात्कार की घटना, तो इनकी खुद की